एक और नया दिन, एक और नई कहानी, एक और नई वीडियो। 16 दिन बाद बना रहा हूँ। आज दिनांक है 17/7/2023। ये 16-17 दिन मेरे थोड़े हार्ड से गुजरे, मैंने वीडियो बनाई नहीं, और मैं घर आ चुका हूँ रिजाइन देखे, क्योंकि मेरा मन नहीं लग रहा था यार। दिक्कत आ रही थी, कुछ तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, घुटन सा महसूस हो रहा था, तो मैं घर आ गया। तो आज से मेरा चैलेंज है, 30 दिन का चैलेंज है। ना मैं बाल कटाऊंगा, ना मैं दाढ़ी कटाऊंगा, और रोज़ एक सेल्फी खींचूंगा। तो कैसे कन्वर्ट होता हूँ मैं, ठीक है, कैसे दिखता हूँ 30 दिनों में। आज से हमारी शिवरात्रि शुरू है पहाड़ियों की, जो उत्तराखंड के वासी हैं, 17 तारीख से शुरू है। बाकी जो और लोग होते हैं उनकी ख़त्म हो चुकी है, और हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो भाई अभी मैं जा रहा हूँ शिव टेंपल जलवल दूध चढ़ाने, तो ये भी ज़रूरी है। भक्ति में ही शक्ति है, तो स्पिरिचुअल रिलीजियस होना भी ज़रूरी है। बाकी आपको शक्तियाँ मिलती हैं। बाकी अभी जा रहा हूँ, नहा धो के रेडी हो चुका हूँ, 7:50 हो चुके हैं। फटाफट जाता हूँ, जल वल चढ़ाता हूँ, घर बार की खुशहालियों का कुछ मांगता हूँ, अपनी खुशहाली के लिए कुछ मांगता हूँ। बाकी बहुत सारा काम करना है, मैं लो हो गया था यार, बहुत ज़्यादा लो हो गया था। बाकी बातें आपको मैं बाद में बताता हूँ, अभी मैं सबसे पहले मंदिर जाता हूँ। भाई लोगों, क्या बोलते हैं, जल चढ़ा के आ चुके हैं, पूजा वगैरह करके आ चुके हैं, और मैं बना रहा हूँ कछुए के लिए, क्या पॉन्ड बना रहा हूँ, छोटा सा बना रहा हूँ यार। बाल्टी में रख के, उसे टप में रख के, उसकी आज़ादी ख़राब हो जाएगी। मुझे तो अच्छा लग नहीं रहा, मेरी मम्मी पता नहीं क्यों पाल लेती है। तो उसके लिए यहाँ पर पॉन्ड बनाऊँगा, पन्नी उन्नी लगा के बढ़िया सा। इस जगह में जगह है हमारी घर के आगे, तो उसे थोड़ी आज़ादी देंगे, भले पाला है पर उसे आज़ादी देंगे। ये सही नहीं है यार, वो भी बंद बंद क्या, अगर हमें इंसान को किसी पिंजरे में बंद कर दिया जाए कैसा लगेगा। तो वैसे सेम उसके बारे में सोच रहा हूँ मैं, उसे कैसा लगेगा। तो उसके लिए पॉन्ड सा बना रहा हूँ, ठीक है, यही है माहौल। लोगों, ये बना दिया है पॉन्ड छोटा सा, और इसमें डाल दिया कछुए को, उसका नाम है जोजो, ठीक है। एक ये, एक वो। लोगों, ब्रेकफास्ट हो चुका है, बढ़िया सा मैगी खाई, बड़े दिनों बाद मैगी खाई, मैगी बनी थी तो मैगी खा ली। बाकी माहौल बढ़िया चल रहा है, जो भी चल रहा है एक नंबर चल रहा है, ठीक है। बाकी छठ आए हैं वो शहर, जिस शहर में हमारा मन नहीं लगा, छोड़ आए हैं वो शहर जिसमें हमारा मन नहीं लगा। इच्छा जो है वो ही करेंगे, इच्छा से अलावा कुछ और नहीं करेंगे, ठीक है। तो माहौल ऐसा है, बाकी देखते हैं आज दिन भर में क्या होता है, अंदर क्या होता है, कुछ नहीं होता, सिस्टम हैंग होता है। और हमारे एल्विस भाई गए हुए हैं बिग बॉस में, ठीक है, उनके वजह से पहली बार बिग बॉस देख रहा हूँ, मतलब OTT में नहीं देख रहा, यूट्यूब में आ रही है छोटी छोटी वीडियोस, वो देख रहा हूँ। तो फुल पावर सपोर्ट दिखाओ एल्विस यादव भाई को, ठीक है। तो सीन ऐसा है, बाकी सिस्टम कर दो हैंग। लोगों, एक काम कर रहा हूँ मैं, ये जो मेरा रूम है, पहले अंदर वाला था, अब इस रूम में तो कोई आता नहीं था, ऐसे सामान पड़ा होता था। इस रूम को मैं अपना स्टूडियो बना रहा, इसी रूम को अपना मैं रहने की जगह बना रहा हूँ, इसी रूम को मैं सब कुछ बना रहा हूँ अपना, ठीक है। तो ये रूम अब मेरा हो गया, यहाँ भी कंप्यूटर शिफ्ट कर रहा है भाई, यूज़ तो करता नहीं है, पर कंप्यूटर का जो CPU है, CPU को और अच्छा बेहतर बनवाना पड़ेगा, क्योंकि जो ये है इसमें सामान तो बहुत अच्छा अच्छा डला हुआ है, बट जो इसका भरा कवर है और इसका मदरबोर्ड है, वो थोड़ा सिस्टम उसका ख़राब हो चुका है, तो ये अच्छे से वर्किंग नहीं करता, तो इसे भी बनाना है, बाद में बनाएंगे,
बाकी ये टेबल की ज़रूरत थी तो टेबल अभी यहाँ शिफ्ट करा है। अभी ये सब कुछ साफ कर रहा हूँ, यहाँ धूल वूल लगी हुई है। ये मेरे ट्रॉफीज जिसमें पूरी धूप लगी हुई थी, किसी टाइम पर भाई जीते थे, खेलते थे, कूदते थे, ट्रॉफीज मिलती थी। ये देखो भाई, तुम्हारा भाई हल्के में नहीं था, बहुत मेहनत करी है। मेहनत क्या करी है, जितनी भी करी है थोड़ी बहुत मेहनत की है। ये ट्रॉफीज थी, ये ट्रॉफीज थी, समझ रहे हो। ये सब कुछ जब हम खेलते थे, रेफरी करते थे, तब हमें मिलती थी, उसके पुरस्कार मिलते थे, तो हम और मोटिवेट होते थे। इसी तरह मुझे यूट्यूब में नहीं मिल रहा, तो इसलिए जो भी नया इस वीडियो में, तो लाइक एंड सब्सक्राइब ठोक के जाओ, फुल पावर सीन होगा। बाकी अब नई न्यू न्यू चैनल खोलूँगा, कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर रिज़ाइन दे दिया है नौकरी को, तो खाली तो बैठना नहीं है, बहुत सारे काम करने हैं। ये यहाँ भी सफाई करनी है, पूरी रूम में सफाई तो होती है। ये मेरा बेड हो गया सोने का, सही है, धागे वाला बेड है। और बाकी पूरा सिस्टम से अभी ठीक करेंगे, पूरे रूम को बढ़िया बनाएंगे। बाकी एक ट्राई प्रेस्ट्री भी मंगा दूँगा, और ये पूरा ट्राई प्रेस्ट्री से ढक जाएगा, क्योंकि आगे लाइट जलेगी तो इसमें जो शीशा है तो ये चमकेगा। पहले मैं सोच रहा इधर लगाऊँ, इधर स्विच ही नहीं है, सोच रहा इधर लगाऊँ, फिर इधर से इधर सिस्टम नहीं हो पाता, फिर इधर ये है, तो इससे बढ़िया वहीं लगा के यहाँ ट्राई प्रेस्ट्री लगा देंगे। आर्ट होता, वॉल आर्ट होता, वो लगा के बढ़िया सिस्टम हो जाएगा, क्योंकि अगर आगे लाइट जलेगी, सही है। ये भी पता नहीं घर के किसी सदस्य ने खरीदा था, तो मेरे काम आ जाएगा, लेना क्यों है, तो माहौल ऐसा है। बाकी यहाँ सामान भी इकट्ठा करना पड़ेगा, क्योंकि आवाज़ गूंज रही है, जैसा आप देख ही रहे होंगे, ठीक है। तो ऐसा ऐसा सीन है, ऐसा ऐसा माहौल है। बाकी भी सफाई करता हूँ फुल पावर, यही काम करना है। और एक महीने का चैलेंज है, आपको पता ही है कि बिना दाढ़ी बिना बाल के कटा के रहना है, और कैसा रहता हूँ। और पहली सेल्फी मैं अभी खींचूँगा, पहली सेल्फी, ठीक है। बस सेल्फी खींचनी है यार, ये तो वीडियो बनने लग गए भाई लोगों, सेल्फी खींचनी है। और सेल्फी को आप देखो, इसके बाद इस वीडियो के बाद सेल्फी आएगी, रोज एक एक सेल्फी खींचूंगा, और उसका 30 दिन का कैलकुलेट करूंगा कि कैसे रही। लो दाल चावल आ चुके हैं, और रायता है बहुत सारा, और बहुत सारे दाल चावल है। सफाई कर दी है, पूरा सिस्टम यहाँ भी कर दिया है, पूरा सिस्टम लगा दिया है। सिस्टम अब करना है इनकी, ठीक है। ट्राई प्रेस्ट्री लगाऊंगा, और आज साइड से मैं वाईफाई भी लगवा दूँ, क्योंकि भाई 15-15 रुपये का रिचार्ज करना पड़ता, 500 रुपये में लग रहा है पूरा फुल पावर, तो वो लगा के वाईफाई लगा के पूरा काम बढ़िया हो जाएगा सिस्टम ना। तो बहुत सारा काम करना है, अभी धीरे धीरे करते हैं। और अब 1-1 रुपये खर्च करने में भी अजीब सा लग रहा भाई, ठीक है। तो देखते हैं, अभी करते हैं, पहले भोजन करते हैं, फिर उसके बाद सोचते हैं क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है, ठीक है। क्योंकि खाली तो बैठना नहीं है भाई, कुछ करना है, बड़ा ही करना है भाई, छोटा मोटा नहीं करना है, और नौकरी नहीं करनी है, मेन बात ये है। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं। वो सॉरी, नंगा पंगा हूँ, हो रहा हूँ, गर्मी सी हो रही है, उमस सी हो रही है, फुल पावर जिसे कहते हैं, माहौल गड़बड़ हो रखा है, क्योंकि बारिश के बाद धूप आ गई ना, तो क्या होता है, वो उमस सी हो जाती है, वो सिस्टम थोड़ा हैंग हो जाता है, समझ रहे हो। तो पंखा भी काम कर रहा है, पर मज़ा नहीं आ रहा है, मज़ा नहीं आ रहा है लाइफ में। तो देखते हैं क्या क्या होता है, होगा तो कुछ नहीं, होगा बहुत कुछ, पर अभी समय लगेगा, समय इंतजार करना पड़ेगा। हाँ उठा रहा हूँ, चलो ठीक है। बाकी भाई को उठा रहा हूँ, सो रखा है वो, उसकी चाय दी है मम्मी ने, वो हो जाएगी ठंडी, तो मम्मी कह रही है उसे उठा दो, इसे देखो, इसे भाई। और भाई लोगो, शाम के 6:30 हो चुके हैं, और मैं छत में टहल रहा था, और मंदिर है मेरे घर के पीछे, ये यहाँ चल रहे हैं कीर्तन, क्योंकि आज हम पहाड़ियों का सावन आज से शुरू हुआ है, पहला सोमवार है, और आज उत्तराखंड में कुमाऊं में मनाया जाने वाला एक त्यौहार कुमाऊं
कुमाऊं रीजन में एक मनाया जाने वाला त्यौहार हरेला भी है। पीछे पहाड़ दिख रहे हैं, छोटे पहाड़ दिख रहे हैं, जो बड़े अपर माउंटेन से वो नहीं दिख रहे। तो ऐसा सीने सांस फूल जा रही है, कमजोरी आई हुई है, समझ रहे हो? तो नहीं क्यों आई हुई है, कौन सा भजन चल रहा है, पर भजन चल रहे हैं बढ़िया फुल पावर, वही सुन रहा था। फ़ोन लगा था नीचे चार्ज में, तो लेने गया, मैंने कहा अपडेट करते भाई लोगों को। तो सुबह गया था मैं, जल वल चढ़ाया, पूजा वूजा करी, देन मेरा तो अब रोज का काम है मत्था टेकने का भगवान के पास, और अपना काम करने का, अपना कर्म करने का, क्योंकि कुछ करना पड़ेगा और बड़ा करना है, छोटा मोटा नहीं करता तुम्हारा भाई, ठीक है? बाकी टहलते हैं फिर मिलते हैं। क्या हाल है भाई लोगों, फुल पावर ही होनी चाहिए। बाकी पता क्या सिस्टम हो गया था, सिस्टम ऐसा हो गया था, मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, पर मुझसे पता नहीं क्यों नहीं हो पा रहा है। मुझे अजीब सा फील हो रहा है जब मैं बात कर रहा हूँ, जब पहले जैसा स्वैग नहीं आ रहा, बट आएगा धीरे धीरे, उसे ला रहे हैं लैब पे, ठीक है? अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, सेटअप टेबल ले आया था मैं अंदर से, ये भी रीज़न है कि टेबल की ज़रूरत थी मुझे, तो मैं टेबल भी लिया, कंप्यूटर भी यूज़ करूँगा, पर सीपीयू का सिस्टम थोड़ा वो होना चाहिए, और थोड़ा टाइपिंग वाइपिंग अपनी स्किल्स बढ़ाऊँगा, एडिटिंग वगैरह सीखूँगा इसमें। तो भाई ऐसा सिस्टम है, बाकी देखते हैं कैसा कैसा होता है सिस्टम। बाकी मैं गया था छत में घूमने के बाद, मैं गया था कहाँ, मार्केट इसलिए गया था क्योंकि मैं गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, मैं दिल्ली से गुड़गांव शिफ्ट हो गया था, वहाँ पीजी में मैं अपनी चड्डियाँ छुड़ गई थी मेरी वहाँ, तो मैं पिरमदारा गया था ये लेने। तो ऐसा ऐसा सिस्टम हो जाता है, बाकी फुल पावर सिस्टम करना है, ठीक है? बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ वीडियो बनाने की, हो नहीं पा रहा, पर बनाएंगे, रेगुलर रहेंगे आज से। और बाकी अभी देखते हैं क्या करते हैं, बुक पढ़ेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट बात है बुक पढ़ेंगे, एक रूटीन बनाना पड़ेगा, एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा, और अभी पहले बुक पढ़ेंगे फुल पावर, फिर देखते हैं क्या होता है और कैसे होता है। तो मैं आ रहा हूँ रामनगर रेलवे स्टेशन, खाना वाना हो चुका है, समय हो चुका है 9:50, 10 बजे यहाँ से रामनगर से दिल्ली ट्रेन जाती है। अगर आपको कॉर्बेट घूमना है या कुछ भी घूमना है, तो आप रामनगर आकर यहाँ से कॉर्बेट घूम सकते हो, ट्रेन आती है दिल्ली से डायरेक्ट। बाकी ये भी ट्रेन लगी हुई है आगे, मैं पाठक जी के साथ आया था, उनके जीजा जी वापस दिल्ली जा रहे थे तो उन्हें छोड़ने आए थे, मैं बाहर में बैठा था, अखिल भाई की वीडियो कॉल आई थी तो उनसे बात कर रहा था। बाकी ट्रेन लगी हुई है, ये होते हुए जाती है यहाँ से जैसलमेर जाती है ये दिल्ली होते हुए, मुरादाबाद जाएगी, फिर दिल्ली जाएगी, फिर इसके जैसलमेर जाएगी, ठीक है? तो ऐसा सिस्टम है। बाकी चलो ठीक है, आपको पड़ेगी से मिलवाएंगे बाद में जब वापस जाएंगे घर को। बाकी पहुंच चुके हैं भाई रेलवे स्टेशन से रूम, बाकी रास्ते में वीडियो बनाई नहीं, अंधेरा हो रहा था, वैसा कैमरा है नहीं हमारा फुल पावर वाला जो नाइट विजन भी कर दे। बाकी क्या बोलते सिस्टम, अभी आकर सो जाएंगे और सुबह जल्दी उठ के पहले मंदिर जाएंगे, जल वल चढ़ाएंगे, और कल से फुल पावर काम करना है, समझ रहे हो? बाकी लो फील कर रहा हूँ, बहुत ऐसे कमज़ोर सा फील कर रहा हूँ, पता नहीं क्यों यार अंदर से। बाकी चलो ठीक है, मिलते हैं, जैसे भी वीडियो लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, स्माइल करते रहो, एंजॉय करते रहो, मस्तियाँ करते रहो, नेचर को सेव करते रहो, ट्रीज लगाते रहो। जय शंकर महाराज, पीस आउट।